हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। तो परसों हमने किया था रिमाइंडर्स थ्योरम का पहला पार्ट, उसमें हमने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया था, थोड़े से इजी क्वेश्चन करे थे, लेकिन उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रह गई थी। आज मैं आप सबके जो डाउट्स हैं जो आपने मुझे भेजे हैं मेल में, वो सब मैं आज सॉल्व करूँगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको रेड कलर का बटन मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, ये मुझे अलग अलग स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। 51 द पावर 25 डिवाइडेड बाय 13। चलिए क्वेश्चन करते हुए सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको, ये रखनी है कि सबसे पहले 13 के मल्टीपल्स देख लीजिए जो 51 के आसपास है, 13 फोर द 52। ये चीज़ का ध्यान में रखना है सबसे पहले कि ये जो ये वाला नंबर है 51, ये 13 के मल्टीपल से या तो एक ऊपर हो या एक नीचे हो। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 100% बनी रहेगी, राइट। जो कल मैंने क्वेश्चन किए थे उसमें सभी में एक ऊपर एक नीचे ही था, और आज ये भी एक ऊपर एक नीचे है। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, ये आ गया सीधा सीधा -1। अभी -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 13 - 1 = 12। 12 जो है इसका रिमाइंडर है और वो आंसर है। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी -1 का पावर 25 है, राइट, ये ऊपर 25 है, तो इसलिए ये -1 ही रहा है। तो इसकी वैल्यू -1 बनी है, इसीलिए 13 से हमने इसको माइनस किया। अगर ये 25 ना होके 24 होता, ये 25 ना होता 24 होता, तो ये 1 बन जाता और आपका रिमाइंडर 1 आता। और ये अगर -1 23 होता तो आपका आंसर फिर से 12 आता। अगर -1 अब कह लीजिए 22 होता तो आपका आंसर जो है वो 1 आता। तो ये चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, पावर्स का मतलब यहीं तक है। बट इसीलिए हम एक ऊपर एक नीचे इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि जब हम एक ऊपर एक नीचे ले रहे हैं तो आपका जो है क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे -1 की जगह पे अगर 2 3 4 होता, ऐसे होता कुछ, तो आपके जो आंसर हैं वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं। 1 अगर हमने यहाँ पे बेस पकड़ लिया है 1 को, तो आंसर आपके बहुत पास आ रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये डिनोमिनेटर है 13, और यहाँ जिस ये जो ऊपर का नंबर है ये एक ऊपर एक नीचे लेकर चले तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 10। अभी ये जो नंबर्स हैं ये बहुत दूर हैं, अगर ध्यान से मैं देखूं तो ये वैसे आसपास तो है नहीं। अगर 2 की मैं पावर्स भी बना के चलूं तो फिर भी बहुत दूर हैं ये। 2 2s are 4, इसका क्यूब 8, 16, फिर उसके बाद 64 128 512, कोई भी नंबर इसके आसपास जो है वो नहीं बनेगा, राइट। तो इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। ये 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, तो ये नंबर और इन दोनों नंबर्स को थोड़ा सिंपलीफाई किया जा सकता है। आपने अगर सर्च एंड इंडिसेस थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाएगा कि अगर ऐसा कभी हो, अगर am डिवाइडेड बाय an हो तो उसकी वैल्यू बन जाती है am - n, ठीक है। तो चलिए 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 5। अभी थोड़ा सा 5 आ गया है तो काम थोड़ा आसान हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, रिमाइंडर हमने फाइंड करना था 10, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते, 10 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया है। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हमें 5 से तो फाइंड आउट करना नहीं था, हमें तो 10 से डिवाइड करना तो करना था। तो ये जो हमने 2 से सिंपलीफाई किया है ऊपर वाले नंबर से और नीचे वाले नंबर से, एंड में जो हमारा आंसर आएगा उससे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको साइड में लिख के रख लीजिए, 2 की पावर 19 डिवाइडेड बाय 5। अभी क्या करेंगे, ये नंबर देखिए 4, 4 नंबर इसके बहुत पास है, सिर्फ एक कम है, तो इसको पकड़ लेंगे, राइट। अब देखिए समझ आ रहा है, आई होप आपको समझ आ रहा है। अभी यहां पे देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, -1, और यहां पे देखिए रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर ये 2 है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 ही रिमाइंडर है।
और ये देखिए माइनस वन की पार नाइन है, तो इसकी जो है ये माइनस वन ही रहेगा, प्लस नहीं बनेगा, तो आपका रिमाइंडर जो है वो माइनस टू आ जाता है, लेकिन माइनस टू आंसर हो नहीं सकता आपको पता है, तो पाँच से दो को माइनस कर देते हैं, तो आपका रिमाइंडर जो है वो आ जाता है तीन, लेकिन ये तब तीन आएगा जब पाँच से डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन करना किससे था, दस से, तो दो जो ऊपर हमने साइड पर रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है छः आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, सेम तरीके के क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा आप कह लीजिए कि अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, एक ही तरीका है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करूँगा। 3 दी पार 243 डिवाइडेड बाय 5, अभी इसको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे हमें पता है कि 3 की पार जो है अगर 2 होती है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, तो ये इसके मल्टीपल सिर्फ जो है बहुत पास है, 5 टू द 10 आ जाता है, तो सिर्फ एक दूर है, तो इसको हम स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। 141 अगर मैं देखूं तो 242 आ जाता है, तो चलिए ये सिंपल। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 9 बना लिया। अब देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा -1, राइट, 3 का तो रिमाइंडर, इसका तो 3 रहेगा, 3 को अगर 5 से डिवाइड करो तो कम है, वैसे भी 5 से कम है नंबर, तो 3 रिमाइंडर रहेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाता है -3, -3 तो आंसर हो नहीं सकता है, राइट, तो 5 -3 इज इक्वल टू 2 जो है आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से अगर इसको देखें, यहाँ पे पावर्स की मैं अगर बात करूं दोबारा, पावर्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर पावर्स का क्या किया, पावर्स का क्या किया, मोस्टली अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 है और 141 है, ऑड नंबर है तो पावर चेंज नहीं होगी, अगर -1 यहाँ पे 142 होता तो पावर चेंज होती, राइट, तो -1 का +1 बन जाता और यहाँ पे आंसर जो है 3 आता, राइट। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो ये बोला था कमेंट्स में, सर पावर तो कंसिडर नहीं कर रहे, पावर तो कंसिडर नहीं कर रहे, तो पावर का यहाँ पे इतना ही मतलब बनता है। व्हाट इज द रिमाइंडर अगर 3 दी पार 19 डिवाइडेड बाय 10, ये 19 है, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। यहाँ पे अगेन 3 का स्क्वायर जो है ये आपका बनता है 9, राइट, 3 का स्क्वायर 9 है, इसलिए ये 10 के बहुत पास है, तो स्क्वायर के हिसाब से चलते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, बच गया है यहाँ पे तो 10, तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 9 की पार 9, अभी ये देखिए यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा, -1, और पावर जो है इसकी 9 है, तो ये -1 ही रहेगा, राइट, 3 से अगर 10 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो -3 तो आंसर हो नहीं सकता, राइट, माइनस में रिमाइंडर कभी नहीं हो सकता है, तो 10 -3 जो है इट बिकम 7, 7 हमारा आंसर है। पावर्स का यहाँ पे भी मैं आपको पावर्स का दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि पावर 9 है तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये अगर मैं 9 बार -1 आ जाएगा तो इसकी एंड में वैल्यू जो है -1 ही रहेगी, अगर 8 बार होता तो +1 होता था। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 दी पार 9 डिवाइडेड बाय 4, -4 डिवाइडेड बाय 7, ये क्वेश्चन SSC में आ चुका है, राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल सी बात देखिए, 7 दी पार 9 डिवाइडेड बाय 7, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ये देखिए ये तो सीधा सीधा डिविजिबल है, ये तो 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये -4, ये थोड़ी नई चीज है, मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 14, ये 7 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, राइट, 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर इसमें से मैं 4 माइनस कर दूं तो अब मैं पूछूं इसका रिमाइंडर कितना बचता है, 10 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 3, तो सेम चीज यहां पे लागू होती है, डिविजिबल है नंबर, उसमें से 4 माइनस कर दिया है तो आंसर आपका आएगा 3, 3 आपका आंसर है, एक लाइन का क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एक लाइन का। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, ये PO लेवल का क्वेश्चन है।
43 दी पार 86 डिवाइडेड बाय 5। अब अभी ये 43 जो नंबर है ये 5 के आसपास, 5 के डिविजिबल जो है इसके आसपास नहीं है। अगर मैं इसको करूंगा तो थोड़ा नंबर दूर आ जाएगा। जो पावर्स वाला पंगा आता है, जो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था, ये जो पावर्स अगर 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब, ये जो है इससे आंसर बहुत दूर दूर चले जाएगा, जो हमें इतना डिफिकल्ट नहीं बनाना है। इंस्टेड मैं क्या करूँगा, एज एंड में 3 है, 3 सीरीज ऑफ 9, लास्ट डिजिट 9 बनेगा, जो 5 के जो डिविजिबल हैं उसके सिर्फ एक नंबर दूर आ जाएगा। समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 43 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये एक पंगा है, क्योंकि आपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 30 तक के स्क्वायर याद करे होंगे, कईयों ने तो 30 के भी नहीं किए, 25 तक के किए हैं, 20 तक के किए हैं, 35 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन 43 का स्क्वायर जो है आपको पता होना चाहिए। 43 का स्क्वायर जो होता है 1849, राइट। यहाँ पे मैंने क्या किया, 43 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 43, राइट। इसका स्क्वायर जो है 43 का 1849 बन गया और ऊपर आ गया 43 डिवाइड बाय 5। अब इसको ध्यान से देखिए, 1849 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर बचता है -1। अभी इसकी पावर जो है वो 43 है, -1 की पावर 43 है, तो रिमाइंडर जो है -1 में ही आएगा। अगर 42 होता तो प्लस में आता, तो -1 है, -1 में आंसर आ नहीं सकता। 5-1=4 आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन। तो पावर्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, पावर्स अगर आप माइनस, अगर इसीलिए मैं इसके आसपास जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल्स के एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे इसीलिए मैं लेकर आ रहा हूं, ताकि ये पावर्स का पंगा सॉल्व हो, राइट। अगर आप सीधा इसी से कर देंगे तो पावर्स का पंगा जो है वो आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये नंबर थोड़े इनका डिस्टेंस वाइड हो जाता है, जबकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। ये आप ध्यान से देखिए, क्यों मैं एक ऊपर एक नीचे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये सब का आंसर जो है, इन सब का आंसर 1 ही है, लेकिन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इन सब के आंसर में बहुत वेरिएशन आ जाता है। इसीलिए ये टेक्निक अगर करनी है तो ये आप कह लीजिए एक ऊपर एक नीचे जगह लेके चलिए, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। What is the remainder when 2 the power 24 is divided by 3 the power 24 is divided by 5? ये फिर से वही सिंपल क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, इसको ये पकड़ के चलिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5, तो 9 की पार 12 है डिवाइडेड बाय 5 है, तो यहाँ पे -1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, -1 की पार 12 है, तो माइनस के साइन जो है बराबर आ गए हैं, तो -- प्लस होता है, तो ये आंसर आपका यहीं पे प्लस आ जाएगा, 1 जो है आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। ये क्वेश्चन करने का मेरा एक ही मकसद था, ये वाला पर्टिकुलर, कि आपको समझाना कि ये पावर्स की वैल्यू, अगर ये 13 होता तो इसका आंसर जो है यहाँ पे माइनस होता, तो फिर हम 5-1 करते तो आंसर आपका 4 आता, लेकिन यहाँ पे जो पावर है आपकी वो 12 है। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, बट करने का यही इसका मकसद था कि आपको समझाया जाए कि पावर्स की क्या वैल्यू है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा ये मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन आप कह लीजिए करा था। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ अपने डाउट जो है मुझे मेल भेजते रहें। अगर आप मुझे मेल नहीं भेजेंगे या नीचे कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करते रहें, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किसको क्या प्रॉब्लम है, कौन से क्वेश्चन में कैसे किसको क्या दिक्कत आ रही है, राइट। तो नीचे कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, अगर मैं कोई गलती करता हूँ वो भी मुझे बताइए, तो उससे क्या है मेरा ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाता है कि हाँ इन ये वाले क्वेश्चन है जहाँ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है, तो मुझे इस पर थोड़ा और काम करना चाहिए, राइट। तो कॉल कर सकते हैं आप मुझे, एंड GK Digest Android एप्लीकेशन आप ज़रूर इंस्टॉल करके रखें, ताकि जो मेंस का जब टाइम आएगा तो आप हफ्ते में, हफ्ता ना हो आपके पास कि एक हफ्ते में जी करंट अफेयर्स पढ़ना है, एक हफ्ते में बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, अभी से इंस्टॉल कर ले, ताकि अगले 6-7 महीने तक आपका जो है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए कुछ समझ नहीं आया तो। IBPSPO मेगा प्रिपरेशन कोर्स जो है, ये मेगा प्रिपरेशन जो सीरीज़ है उसका पार्ट है। कोर्स में बाकी की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, बहुत सारे क्विजेज हैं, डेली हम क्विजेज डाल रहे हैं, डेली हम
अपने नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत कुछ है IBPS मेगा प्रिपरेशन कोर्स में, इसमें ज़रूर इनरोल कीजिए। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू।